सोहेल के सामने जब मपारा की हकीकत आती है तो वो हजरत के पास जाता है कि मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, जिस पर हजरत सोहेल से कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको मपारा जो मिल गई थी अब फरी का ख्याल कैसे आ गया। जिस पर सोहेल हजरत से कहता है कि मपारा ने मुझे धोखा दिया है, तो हजरत सोहेल से कहती है कि तब भी आपको अपनी बेटी का ख्याल आ गया, मैं अब तुम जैसे शख्स को अपनी बेटी की शक्ल दिखाना भी पसंद नहीं करती। सोहेल हजरा के आगे हाथ जोड़ता है कि हजरा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, जिस पर हजरा सोहेल से कहती है कि आपको सोचना तो उस वक्त चाहिए था जब आपने हमें घर से तलाक देने के बाद निकाल दिया था। इतने में हजरा की माँ आ जाती है और सोहेल को अपने घर में देख कर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले तुमने मेरी बेटी को क्या कम दुख दिए थे जो अब फिर से इस घर में आ गए हो, चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ मपारा राज से कहती है कैसी लगी अपने भाई की बर्बादी मेरे हाथों से, जिस पर राज को मपारा पर बहुत गुस्सा आता है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुमने जो मेरे भाई के साथ किया मपारा इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, तुम क्या समझती हो इतना सब कुछ करने के बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मैं तुम्हें अब इसका जवाब दूंगा।